स्टार्ट। जय श्री राम। आप सबसे कुछ बातें करना था, क्योंकि लॉकडाउन जब से लगा हुआ था आप सब लोगों के मेरे पास में बहुत कॉल आ रहे थे जब तक जिम ओपन नहीं हुआ था। अब जब जिम ओपन हो गया है तो आप लोग पता नहीं किस चीज़ से डर रहे हैं, और हम लोगों ने सारे सेफ्टी मेजर्स फॉलो किए हैं जो गवर्नमेंट ने हमें दिए हुए हैं। हर तरीके की SOP को हम ऑपरेट कर रहे हैं, अच्छे से ऑपरेट कर रहे हैं। और मैं आज इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग पिछले 5 महीनों से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे, और अभी जैसे गवर्नमेंट ने ओपन किया है, हमें परमिशन दी है, उसके बाद में उस तरीके से जो हमारे पास पहले आते थे मेंबर्स, अब वो नहीं आ रहे हैं। तो अभी जो हमारे पास में मेंबर आ रहे हैं उनमें से एक हमारे बहुत सीनियर मेंबर हैं, और उनसे हम कुछ बातें करेंगे, उनसे हम उनका एक्सपीरियंस पूछेंगे लॉकडाउन के पहले का, लॉकडाउन लगने के बाद में उनकी क्या मतलब स्थितियाँ थी, लॉकडाउन खुलने के बाद जब उन्होंने जिम ज्वाइन किया तब उन्होंने कैसा फील किया, और हम लोग जो सेफ्टी मेजर्स फॉलो कर रहे हैं वो उनसे वो संतुष्ट हैं या नहीं है। आइए हम बात करते हैं मिस्टर आशीष चतुर्वेदी जी, जो कि PhD होल्डर हैं और आने वाले समय में हो सकता है कि साइंटिस्ट भी बने, इसलिए उनकी बातें बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस, बहुत समझदार और बहुत ही एक्टिव पर्सनालिटी हमारी जिम की। आइए आशीष जी, आप जब लॉकडाउन में लॉकडाउन के पहले जब जिम आते थे, जब हमने स्टार्ट किया था, तब आपको कैसा फील हो रहा था और अब आप कैसा फील कर रहे हैं? पहले जब तक मैं जिम ज्वाइन नहीं किया था तो मेरे मन में बहुत सारी भ्रांतियाँ आती थी कि जिम ज्वाइन कर लूँगा बीच में छूट जाएगी, बहुत सारी समस्याएं आ जाएंगी शरीर में। बिल्कुल, जैसा कि बाहर मार्केट में हम सुना करते थे कि जिम ज्वाइन करो तो लगातार करना होगा, लगातार नहीं करोगे तो शरीर का स्ट्रक्चर गड़बड़ा जाएगा, और अगर लगातार आप ज्वाइन करके रखोगे तो स्ट्रक्चर बना रहेगा, जैसे ही छोड़ोगे तो खराब हो जाएगा। लेकिन मैंने पहली बार जीवन में जिम ज्वाइन किया, एक बार बहुत पहले मेरे दोस्त ने ज्वाइन कराया था, मुझे भी बहुत डर लगता था जी। लेकिन जब से मैंने आपसे एक दिन आया और मिला, काफी इम्प्रेसिव रहे आप, मेरी वाइफ भी मेरे साथ आई और आपके नजरिए को देखा, आपके जिम को देखा, सारी सुविधाओं को देखा, और उन सुविधाओं को देख करके हमने ये प्लान बनाया कि हम दोनों लोग इस जिम में आया करेंगे। यही मान करके मैंने नवम्बर दिसंबर में मैंने शुरू किया, और उस नवंबर दिसंबर के समय मेरा जो वजन था वो 95 kg था। मैं धीरे धीरे मोटापे के उस अवसाद में ग्रस्त होता जा रहा था, मुझे पढ़ाई लिखाई करनी थी लेकिन रोगों के उस माया जाल में फंसता जा रहा था, जिसके कारण ना तो मैं एक्टिव रह पाता था, शरीर में रोग व्याधियां, ब्लड प्रेशर की समस्याएं और मोटापा की समस्याएं और कई तरीके के रोग हमारे अंदर आते, जैसे पाचन संबंधी और भी समस्याएं थी। लेकिन जब मैं आपके जिम से जुड़ा, जुड़ने के बाद आपने कुछ हमको वर्कआउट करने का बताया कि सबसे पहले आप अपने आप को वार्म अप करिए, दौड़िए, और इसके बाद फर्दर आपके इसमें इम्प्रूवमेंट दिखेगा। मैं आपकी बातों को फॉलो किया और फॉलो करने पर मैंने अपने आप को पाया कि 2 महीने के अंदर मैंने 4 किलो वेट अपना कम किया, और उससे मुझे मोटिवेशन जब हुआ तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे पैकेज अब लेना चाहिए, तो मैंने 2 साल का पैकेज लिया इसीलिए, क्योंकि मुझे ये लगा कि अगर मैं पैकेज लेकर के रखूंगा, पैसा मेरा लगा रहेगा, तो कहीं ना कहीं मन भी एक्सटेंशन करेगा कि नहीं हमको जाना है। बिल्कुल, अदरवाइज अपने को ये लगता है कि पैसा क्या दिक्कत है, अपन नहीं जाएंगे, लेकिन हमको कहीं ना कहीं वो पैसा मुझे मोटिवेट कर रहा है कि नहीं अपने पैसे को चुकता करने जाना है, नहीं खत्म हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो भैया से मैंने बात किया और लॉकडाउन जब लगा तो मैं अपने आप में बहुत अनकम्फर्ट महसूस किया, मैंने सोचा मैं कैसे वर्कआउट करूँगा सुबह सुबह का। इसके बाद भैया से मैंने कॉन्टेक्ट भी किया, भैया ने बताया कि ऐसी कुछ गाइडलाइंस हैं जिसके कारण जिम नहीं खुल पाएगी। मैं बहुत व्याकुल था, परेशान रहा करता था, लेकिन घर में ही भैया ने कुछ मेरे को टिप्स बताए, मैं उसमें फॉलो कर रहा था। उनके मार्गदर्शन में मैंने घर में रहते हुए 3 किलो और वजन कम किया इस 5 महीने में, और मैं इंतजार करता रहा कि लॉकडाउन जैसे खुलेगा मैं जिम ज्वाइन करूँगा। जब मैं जिम ज्वाइन करने आया आपके यहाँ, मेरे को पूरा का पूरा नज़ारा बदला हुआ मिला। उस नज़ारे में सबसे अच्छी बात आपके यहाँ ये देखा कि डीप सैनिटाइजर आपके यहाँ किया जाता है नंबर एक बार, जो कि शायद कई जिमों में ऐसा नहीं होगा, काफ़ी खर्च आता है, लेकिन भैया मेजर सेफ्टी के हिसाब से उसको ध्यान में रखा, नंबर एक बात। दूसरी बात, जब भी आप आते हैं सैनिटाइजर आप लेकर के आए, जैसा भैया के नियमों में बना हुआ है, और अगर नहीं ले आ पाते तो भी यहाँ पर सुविधाएँ हैं। तीसरी चीज़ यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए मशीनों को भी दूर दूर रखा गया है, और चौथी बात यह है कि मेजर सेफ्टी को देखते हुए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं
हमारे कोरोना COVID-19 को चेक करने के लिए इनिशियली प्राइमरी, वो भी सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। आपको आना है, जैसे मैं आया और आने के बाद एक दो दिन मैं भी डरा हुआ था कि कैसे क्या होगा यार, लेकिन जब मैंने देखा कि सारी चीज़ें व्यवस्थित हैं, एक व्यक्ति जैसे उतरता है यहाँ पर दूसरे कोऑर्डिनेटर लगे हुए हैं, फटाक से उसको सैनिटाइज करेंगे और इसके बाद फिर दूसरे को उस पर परमिशन दी जाएगी तो वो अपना प्रॉपर जिम ज्वाइन कर लेते हैं, अपना प्रॉपर मशीन को ज्वाइन करते हैं और लाभ उठाते हैं। तो इस संबंध में अगर देखा जाए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मास्क लगा करके आइए। मास्क में ये है कि अगर आपको डर है, पहली बात तो आपको एंट्री दी नहीं जाएगी, और अगर दी भी जाती है आपको इतना डर है, मास्क लगा के आइए। ज़्यादा दिक्कत है तो ग्लव्स लगाइए, ग्लव्स में सैनिटाइजर हर बार यूज़ कर लीजिए। दूसरी चीज़ यह है कि कई मशीनें यहाँ पर ऐसी हैं कि ज़रूरी नहीं कि आप सारी मशीनों को यूज़ करिए, अपने अनुसार जो भी आपको लगे कि इससे हमको फ़ायदा है वही। हम आते हैं, हम तो 4-5 मशीनों का ध्यान में रख करके आता हूँ कि मुझे इतना ही करना है ताकि हमारा बैलेंस न गड़बड़ाए और हम धीरे धीरे हमारा मोटिवेशन भी बना रहे। तो भैया अगर आप कहें तो पहले और बाद में हमको यही लग रहा है कि हमको जिम ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि जिम ज्वाइन करने से हमको सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हमारा एक रूटीन बना हुआ है, शरीर की उतनी मेहनत हो जा रही है जिससे हमारा ना तो वेट बढ़ रहा है ना तो हमारे अंदर सुस्ती आ रही है, हम उन्नति के मार्ग पर एक्टिविटी के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे कि आशीष जी ने बताया अभी कि जिम में आने के बाद में उनको लॉकडाउन के बाद में जब जिम ओपन हुआ उसके बाद में कैसा फील हुआ था? अब मैं एक छोटी सी आप लोगों से बात करना चाहूँगा कि अपना आप मार्केट में निकल रहे हैं, आप मार्केट का हाल देख ही रहे हैं कि क्या स्थितियाँ हैं, कौन सा सोशल डिस्टेंसिंग को वहाँ पे प्रॉपरली फॉलो किया जाता है, आप रेस्टोरेंट्स में देख ही रहे हैं जाके, सारी चीज़ें हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन लोगों में मत जाओ या ऐसा कुछ मत करो, देखिए इस चीज़ से आप जितना डरेंगे उतना ही ये चीज़ आपको मेंटली प्रेशर में डालेगी। आप फ्री होके आएँ, वर्कआउट करें, ऑलरेडी हम लोगों ने सारी चीज़ों की सुविधाएं कर रखी हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा मिसगाइड कोई करता है या मिसबिहेव करता है तो उसको हम वैसे भी अलाउड नहीं करते, वैसे ही मना कर देते हैं। इनफैक्ट हमारे पास में SDM सर ने जो हमको बोला है कि आप अगर कोई भी आपका मेम्बर इस टाइप का आपसे मिसबिहेव करता है तो उसके ऊपर धारा 188 के तहत हम लोगों के पास पूरा राइट है कि हम उनको बताएं कि ये मेंबर इस तरीके की हरकत कर रहा है तो वो उस पर उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे धारा 188 के तहत। तो बिल्कुल आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, पूरा प्रॉपर हम लोगों ने सारे मेजर्स फॉलो कर रखे हैं। जैसे आशीष जी ने बताया कि उन्हें कितना मतलब एक अलग माहौल लॉकडाउन के पहले और लॉकडाउन के बाद में सारी चीज़ें चेंज मिली, इसलिए मैंने आशीष जी से ही कहा कि आप शायद हो सकता है कि मेरे मेंबर्स जो और जो नहीं आ रहे हैं उनको शायद किसी चीज़ का डर हो या कोई किसी चीज़ से डर लग रहा हो तो उस चीज़ को बढ़ा मतलब उस चीज़ को लेकर के मैंने आज आशीष जी से बात करवाई आपकी। और रही बात फीस की तो सर फीस तो देखिए ऐसा है कि अभी थोड़ा सा कोरोना का जो डर और थोड़ा सा इसके मेज़र्स सेफ्टी मेज़र्स के लिए दिए हुए हैं हम लोगों ने बहुत ज़्यादा फीस इंक्रीज़ नहीं करी है, 100, 200, 300 इस टाइप से ही हर पैकेज के अनुसार हम लोगों ने इंक्रीज़ करा है, क्योंकि सर हम लोगों का ये है कि हमारे एक्सपेंस भी निकलने चाहिए, हम लोगों को हमारे साथ में जुड़े हुए ट्रेनर्स हैं, हमारा हाउसकीपिंग का स्टाफ है और भी हम लोगों की फैमिली है, और सबसे बड़ी बात सर मेन चीज़ ये है मैं भी एक फैमिली लेके बैठा हुआ हूँ, मेरी भी छोटी सी बच्ची है 4 साल की, मेरी वाइफ है, हम लोगों को उनकी भी सेफ्टी देखना है क्योंकि अगर हमें कुछ होता है तो उन लोगों का कौन क्या करेगा, इसलिए बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, आपसे ज़्यादा रिस्क में हम हैं अगर आप ऐसा सोचते हैं तो, बाकी ऐसी कोई रिस्क वाली बात नहीं है। पूरे टाइम हमारा जो हाउसकीपिंग वाला लड़का है वो सैनिटाइज करता है, दिन में 2 बार हम डीप सैनिटाइजेशन करते हैं इस चीज़ पे, इसलिए बिल्कुल भी मशीन में कहीं से कहीं तक के आपको ये फील नहीं होगा कि इसमें वायरस है या कुछ भी ऐसी चीज़ है जो हम लोगों को आप लोगों को हार्म कर सकती है, इसलिए बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आप आएँ, अच्छे से आपका वर्कआउट करें, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करें, मेन चीज़ है इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करना। अभी आप लोग इतने 5-6 महीने से वैसे भी लॉकडाउन में रह रहे हैं और उसकी वजह से वैसे आप लोगों की इम्यूनिटी डाउन हो चुकी होगी, इसलिए आए वर्कआउट करें, स्टार्ट करें, धीरे धीरे इन सब चीज़ों से बाहर निकले, ये उनके साथ में हमें रहना पड़ेगा। अभी कोरोना वायरस आया है, कुछ टाइम बाद में हो सकता है कि कुछ और आ जाए, इसलिए थोड़ा सा अपने साइकोलॉजी को चेंज करें और
फिटनेस को एज अ पार्ट लेके चले अपनी लाइफ में, कि ये हमारी लाइफ का पार्ट है, हमें इसके साथ इसके बिना हम नहीं रह सकते। ठीक है, बस यही बातों के साथ में मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा। बाकी आप लोग देखें इस वीडियो को और समझें इन चीज़ों को कि हम लोगों ने कितनी सेफ्टी के साथ में स्टार्ट किया हुआ है हमारा लॉकडाउन के बाद में जिम। ठीक है, आप जिम करें या ना करें, लेकिन एक बार आ करके जरूर एक बार जिम के नज़ारे को देख करके जाएं, आपको बहुत सारी बातें वैसी समझ में आ जाएंगी। भैया की कहने की कोई बात नहीं है, इतना सारा उन्होंने आपको मोटिवेशन दे दिया। अब आप कम से कम घर से इस जिम तक आएंगे तभी तो यहाँ की रियलिटी पता चलेगी कि कितनी सच है और कितनी झूठ है। इसलिए आप एक बार जरूर विजिट करें और विजिट करने पर आपको खुद ही एहसास होगा कि मुझे क्या करना चाहिए। रही बात फीस की, जैसा भैया ने बताया तो फीस सिंपल सी बात यह है, डीप सैनिटाइजर कर रहे हैं, सैनिटाइजर आप भी यूज कर रहे हो, नॉर्मल खर्चे से आपका भी तो ज़्यादा जा रहा है। तो अगर 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये की अगर वो बात कर ही रहे तो कौन सी बड़ी बात है, हम आकर के यूज भी तो कर रहे हैं सामान। इसलिए आप फीस की बात को साइड में रखिए, क्योंकि एक बार बीमार होने पर वो 300 नहीं 3000 रुपये चले जाएंगे, इस बात को याद रखिए। इम्यूनिटी को बढ़ाइए, अपने विल पावर को बढ़ाइए, जिम करिए और स्वस्थ रहिए। जय श्री राधे, जय श्री राम, जय श्री।